हर मकदम ये हमारा जहां है। बड़ा ही सुंदर है, पर इसकी खास बात यह है कि बिना हमारी मर्जी के यहाँ पे कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। और तुम यहाँ पे आ गए हो, और ये बात हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। किस मकसद से आए हो यहाँ पे? बेवजह यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हुनर आजमा लूं। बेवजह की ये बेवकूफी महंगी पड़ सकती है। अब जो इंसान सात समंदर पार कर चुका है, जो इंसान सातों दुनियाओं का सफर कर चुका है, कायनात के सबसे मुश्किल सात सवालों के जवाब जिसने खोज लिए हैं, उसका हुनर आजमाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। पर ऐसे इंसान के सामने शमशीर नहीं निकालते। सर झुकाते होंगे तुम्हारे यहां पे। मेरे यहां तुम्हारे जैसों के सर काटते हैं। तुम जहां से भी आए हो, तुम्हें वहां पे किसी ने सिखाया नहीं तमीज क्या होती है, लहजा क्या होता है? क्या करें, अब तुम मेरे जहां में आए हो, तमीज तो सिखानी होगी। मेरी आपा, मेरी बहन को मैं अच्छे से जानता हूं। कयामत तक भी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं। मेरे नूरे ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे नूरे ने कहा, अली तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगी। ये आपकी सिमसिम का वादा है आपसे। जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैं जानता हूं मेरे इस काम को कौन अंजाम तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी तस्वीर मेरी अम्मी के साथ कैसे? हमने पूछा, तुम्हारी तस्वीर हमारी अम्मी के साथ कैसे? कैसे? हमारी नहीं, मेरी अम्मी।
दस 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 मेरे शैतान हाजिर हो ये मेरा हुक्म है हाजिर हो है मेरे आका नस नस इस पूरी कायनात में मेरी आपा का बेटा अली जहां कहीं भी छुपा हो उसे ढूंढो और मेरे सामने हाजिर करो जो हुक्म मेरे आका इस पूरी कायनात में आपका बेटा अली कहीं भी छुपा हो मेरा शैतान उसे ढूंढ ही निकालेगा पहाड़ पे चढ़ा आसमान से गिरा ऐसी बेसर पैर की दुनिया तो वही सादा ही बना सकता है मुझे यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ये सीढ़ियां शायद यही मुझे मेरी दुनिया में वापस ले जा सकती हैं आदिमताई की दुनिया है ये सवालों के ऐसे रहस्यों से बनी है जिसका कोई जवाब नहीं है बहुत गुरूर है ना तुम्हें याली अपनी इस काबिलियत पर चलो देखते हमारी बनाई ये दीवार कैसे ला पाते हो तुम लगता है यहां किसी तरह की दीवार है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही ये कैसी दीवार है जो मेरी शमशीर से भी नहीं टूट रही पता नहीं कहां आके फंस गया हूं मैं
मेरी शमशीर से ज्यादा ताकत तो मेरी चीख में है। हमारे साथ सवालों से भी ज्यादा मुश्किल है इस अली बाबा को समझना। पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है इसके पास जो इसने हमारी बनाई हुई दीवार को तोड़ दिया। चलो जो भी हो, अब जाके अली बाबा को धरती पर जाने से रोकना होगा, वरना उसे इब्लिस की नजर उस पर पड़ जाएगी। बहुत खूब। रोशनी, खाओ खाओ। कभी नहीं। तुम शैतानों के यहां का एक निवाला भी खाना मुझे नामंजूर है। अगर तुम्हें जिंदा रखना जरूरी ना होता तो अभी क्या भी खत्म कर देती तुम्हें। खाओ। आप लोग जाइए यहां से, अपनी जान बचाइए, जाइए। अली, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। ये इंसान भी बड़े अजीब होते हैं, सिर्फ जज्बे से काम लेते हैं। तुम्हें पाकर मेरे आका बहुत खुश होंगे। रोशनी के बेटे, शैतान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हमेशा कमजोर पड़ जाता है। इब्लिस, अब और तबाही नहीं फैलाने दूंगा मैं तुझे। मैं आ रहा हूं तेरा खात्मा हमेशा हमेशा के लिए करने। आका ने सिर्फ तुम्हें लाने के लिए कहा था, जिंदा या मुर्दा। खाक हो गया था, फिर से दोबारा जिंदा कैसे हो गया? खाक तो तुम हो जाते अगर हम सही समय पर नहीं आते। क्यों?
खुद की कितनी भी तारीफ कर लो, पर इस शैतान का खात्मा तो मेरी शमशीर ही करेगी। शुक्रिया बाद में कहना, अभी यहां से चलो, इससे पहले ये फिर से आजाद हो जाए। बहादुरी दिखाने का मौका आगे मिलेगा अली, अभी चलो, इससे पहले कि इब्लिस की नजर तुम पर पड़ जाए। बात समझो। अडियल कहीं का मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी जान से बढ़कर तुम्हारे लिए अपनी इज्जत क्यों है? शैतान हम तक पहुंच जाता है। आज पहली बार मैदाने जंग से अली पापा अपनी पीठ दिखाकर भागा है, मगर तुम मुझे लेकर नहीं आते तो शैतान को खत्म कर देता। नहीं कर सकते, ना तुम, ना मैं, ना कोई और। वो इब्लिस के 14 शैतानों में से एक था अली। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, पर इब्लिस के शैतानों को पहले भी निस्तनाबूद कर चुका हूँ मैं। या शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि आज सूरत हाल बदल चुका है। तुम्हें पता है ना, इब्लिस जिंदा हो चुका है, और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर आज इसी की वजह से सारे शैतान इब्लिस से जुड़ चुके हैं। अब जब तक इब्लिस नहीं मरेगा, कोई शैतान नहीं मरेगा। ली तो इसलिए आओ तुम सब करती के बीचों बीच इब्लिस से चक्कर। तुम्हें क्या लगा हम यहाँ छुट्टियां मना रहे हैं? तुम अगर अम्मी के बेटे नहीं होते, अम्मी को बीच में लाने की गुस्ताखी मत करना। अली, हातिम, तुम दोनों को एक साथ लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो ये बात अपने इस बड़बोले शहजादे को समझाइए। बाबा, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बस एक बात कहेंगे। बंद करके रखिए इस अडियल घोड़े को, कहीं इसके जान को हमसे ही खतरा ना हो। एक दुनिया पहले ही तबाह कर चुका है, और हमारी इस दुनिया पे एक भी खरोच हम नहीं लगने देंगे। इसकी वजह से तुम बिल्कुल नहीं। अली और हातिम को साथ आना है इब्लिस को खत्म करने के लिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ आना तो दूर, एक दूसरे की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुझे इसकी मदद करनी होगी।
भेड़िया इस पर हमला करने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल महफूज हैं। भेड़िया को यहाँ लेकर आई थी उसके जहरीले दांत हासिल करने के लिए और तुम्हारी वजह से पहले वाला भाग गया। किसने कहा था तुम्हें बीच में आने? लड़कियों को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती है। मांगी थी मैंने मदद तुमसे। तुम्हारे खंजर की तरह तुम्हारी जुबान भी बहुत तेज है। बेखौफ और हाजिर जवाब। जरूर तुम अली होगे। सुना है बहुत तुम्हारे बारे में। आज देख भी लिया। उम्मीद नहीं थी मुझे इस दुनिया में भी मेरा कोई तरफदार निकलेगा। वैसे आपकी तारीफ? अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से करूंगी तो ये मेरी तौहीन होगी। यहाँ का जर्रा जर्रा जानता है मुझे। किसी से भी पूछ लेना। ताहिरा, ताहिरा, यही हूँ अब्बू। भेड़ियों का शिकार करने गई थी। आप खामखा ही परेशान होते। तो मिला शिकार? शिकार भी मिला और शिकारी भी। आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए मुझे खोज क्यों रहे थे? तुम्हें अली के बारे में हातिम से बात करनी होगी। दुनिया को तो फतेह कर ही चुके हो, आप कौन से नए सफर पे निकले हो? नीचे आओ। पहले ये बताओ कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? खुद ही आके देख लो। माफ करना। कहाँ है?
मानना पड़ेगा। हमारी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरती हो तुम। आखिर दोस्त किसके हैं? वैसे एक बात बताओ कि तुम इसका करने क्या वाले हो? जब देख सकते हो तो सुनना क्यों? ये हुई ना बात। पेश है भेड़ियों के जहरीले दांतों से बना एक जानलेवा हथियार। कमाल है हातिम, अपने तजुर्बे से तुम तो तिनके को भी तलवार में बदल देते हो। इसीलिए तो अब्बू ने तुम्हें चुना है, अली के हुनर और जज्बे को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। बाबा बहरोज ने भेजा है उस अड़ियल घोड़ी की सिफारिश करने के लिए। नहीं हातिम, नहीं नहीं हातिम, पर नहीं हो सकता ताहिरा। हम उस मगरूर इंसान को कुछ नहीं सिखा सकते। बात खत्म। हातिम पर अली में कमी क्या है? दिखता अच्छा है, लड़ता अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है वो। हमें नहीं पता वो कैसा दिखता है, और जो भी है उसमें वो बात नहीं है। और तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके पास जाओ ना, जाओ। हातिम हातिम हातिम, मैं तो मजाक कर रही थी। हातिम, अली का सफर तो अभी शुरू ही हुआ है, पर तुमने तो सातों दुनियाओं को फतेह किया है। कायनात के सबसे मुश्किल सात सवालों के जवाब खोज लिए हैं तुमने, और अली को तो अभी खुद ही को खोजना बाकी है। तब भी अम्मी ने इब्लिस के खात्मे के लिए अली को चुना, हमें नहीं। क्यों, क्या लगता है अब अम्मी को हम पर भरोसा नहीं रहा? हातिम ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम पर यकीन है, इसलिए तो अली को यहाँ भेजा है तुम्हारे पास। और अली में काबिलियत है, पर उसे कामयाब बनाने का जिम्मा रोशनी खाला ने तुम्हें दिया है। और जैसे तुमने इस हथियार को तराशा है ना, बिल्कुल ऐसे तुम्हें अली को तराशना है। उसे इल्म की आग में तपा के एक नया हथियार बनाना है, एक ऐसा हथियार जिससे इब्लिस का खात्मा हो सके। चलो उसकी बेवकूफी को, उसके इस बदतमीजी को नजरअंदाज कर देते, मान लेते मैं काम करना भी चाहता हूं तब भी ये नामुमकिन है। एक जुनून होता है, एक आग होती है, वो अली में नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इब्लिस का खात्मा अली के हाथों नामुमकिन है ताहिरा। नहीं हातिम, ये काम बड़ा और नामुमकिन है, इसीलिए तो तुम्हें सौंपा गया है। पूरी दुनिया तुम्हारी और उम्मीद से देख रही है हातिम, पर दुनिया को बचाने का यही एक रास्ता है। तुम्हें और अली को एक होना होगा। पर हातिम और अली के तरीके बहुत ही अलग है ताहिरा। मानती हूँ कि तुम्हारे तरीके जुदा हैं, पर मकसद तो एक ही है ना हातिम। सोचो, तुम्हारा तजुर्बा और अली की ताकत एक हो जाएंगे तो इब्लिस का खात्मा तय है। और अगर रोशनी खाला ने अली को चुना है तो उन्हें उसमें कुछ तो देखा होगा ना। तुम्हारी अम्मी ने तुम पर यकीन करके उसे तुम्हारे पास भेजा है। देखना अब यह है कि क्या तुम्हें अपनी अम्मी पर यकीन है। अगर अम्मी की यही मर्जी है तो हम यही करेंगे। इस अड़ियल घोड़े पर दाव लगाने के लिए हम तैयार हैं।
वैसे भी तुम पर लगाम कसने का मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? तुम्हें भी मैंने पानी नहीं पिलाया तो मेरा नाम अली बाबा नहीं रही सादे। कुछ कहा? शुक्रिया अदा कर रहा था मैं तुम्हें। बहुत खूब, खुले दिल से और खुली जुबान से क्यों नहीं कहते? शुक्रिया बड़बोले शहजादे। वाह ताहिरा बेटा, तुमने हातिम को मना ही लिया। शुक्रिया दोस्त। पर हमारी एक शर्त है। अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हारी तारीफों के कसीदे पढ़ने पड़ेंगे। नहीं नहीं, एक बार हमें जान लोगे तो खुद ही तारीफ करोगे। शर्त यह है कि हमारे किसी भी इम्तिहान में तुम नाकामयाब नहीं हो सकते, और अगर हो गए तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। मंजूर है, क्योंकि ऐसा कोई भी इम्तिहान नहीं है जिसे अली पार ना कर सके। हातिम का तजुर्बा और अली की ताकत मिलकर खात्मा करेंगे इब्लिस का। कैसी चल रही है अली की तालीम हातिम? तालीम कहां, भी तो सिर्फ इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान तो आते रहेंगे, आज हम ले रहे हैं, कल जिंदगी लेगी। जज्बा, जज्बात और ताकत में आपका यह अली सच में माहिर है, पर अगर इब्लिस को हराना है तो जो 7 जरूरी हुनर चाहिए उनमें से एक भी नहीं है। अब तो बस तुम्हारे लिए एक ही रास्ता बचता है हातिम। कौन सा रास्ता? तुम्हें एक बार फिर से उन 7 सवालों के जवाब के सफर में जाना होगा हातिम। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ अली जाएगा, क्योंकि कायनात के 7 सवालों के जवाब के सफर में अली भी 7 हुनर सीख पाएगा हातिम। नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं फिर से? कायनात के वो सबसे मुश्किल 7 सवाल, उनका जवाब खोजना वो भी अली के साथ नामुमकिन है, नहीं हो सकता। कहीं तुम डर तो नहीं गए कि कहीं अगर मैंने उन 7 सवालों के जवाब हासिल कर लिए तो तुम्हारी तारीफों के कसीदे कौन पढ़ेगा? इसे समझाइए इसे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये सवाल भी कुछ अलग होंगे। इसलिए तो तुम्हारे लिए भी यह सफर उतना आसान नहीं होगा हातिम, चुनौतियों से भरा हुआ। अफसोस तो बहुत होगा इस फैसले पर, अगर इब्लिस का खात्मा करने के लिए यही इकलौता रास्ता बचा है तो फिर यही सही। करेंगे एक बार फिर 7 दुनियाओं का सफर, ढूंढेंगे एक बार फिर कायनात के सबसे मुश्किल 7 सवालों का जवाब। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ बिल्कुल महफूज रहोगे। खाने का काम नहीं है, दिमाग में डाल देना, कल सुबह ठीक इसी जगह पे मिलेंगे, फिर शुरू करेंगे 7 दुनियाओं का वो नामुमकिन सफर जिसे मुकम्मल करके ही इब्लिस का खात्मा मुमकिन है।
मेरे नूरे ने कहा, मेरे नूरे ने कहा। सिमसिम, मेरे यहां आने की तो आहट भी नहीं हुई, फिर तुम्हें मेरे यहां होने का एहसास कैसे हो गया? आपकी मौजूदगी को मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूं। सिमसिम, तुम्हारी ये बंदगी, यही तो हमें तुम्हारे इतना करीब लाते हैं। मेरे नूरे ने कहा, आज हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। पता करो ये कौन से जहान की मिट्टी है, क्योंकि ये जहां है मेरी आपा ने अपने बेटे अली को वहीं छुपा रखा है। मेरे नूरे निगाह, आपकी मेहरबानी से मुझ में वो ताकत है जिससे हर एक चीज अपनी सच्चाई खुद ब खुद बयां करती है। मेरे नूरे निगाह, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई खास ताकत मुझे उस दुनिया में झांकने से रोक रही है। मेरे नूरे निगाह, सिमसिम, सवाल पाक ताकतों से रोशन दिल को हासिल करने का है, और कोशिश करो। कुछ पता चला सिमसिम? ये तो एक अजीब दुनिया है मेरे नूरे निगाह। यहाँ तो ऊपर भी जमीन है और नीचे भी जमीन है। ऐसा मानो कि आसमां को भी नीचे झांकने की इजाजत नहीं है। ये देखिए मेरे नूरे निगाह, ये है वो दुनिया जहां की मिट्टी है ये। तो ये है वो जगह जहां मेरी आपा रोशनी ने अली को छुपा रखा है। धरती के बीचों बीच उठ जाइए आपा, देखिए आपके लिए क्या लाया। आप चाहे मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लें, लेकिन हूं आपका भाई। इतना बुरा भी नहीं कि अपनी बहन को रुसवा कर दूं। सिमसिम, चाहते थे ना इब्लिस? तुम्हारे इस वहम का बाहिया खेल किसी और के साथ जाकर खेलना, मैं तो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं।
ये अली हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा फरेब है, फरेब। ये फरेब अब जल्दी हकीकत में तब्दील होने वाला है। मुझे पता चल गया है आपने अपने बेटे अली को कहां छुपाया है। सिमसिम, मेरे नूरे ने कहा, देखिए आपा, यही वो जगह है ना जहां आपने अली को छुपाया है। हे ब्लिस, अगर तुमने मेरे बच्चे के करीब भी जाने की कोशिश की ना तो नहीं जाता आपा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। मेरी अमानत जो आपके पास थी आपने उसे अली को सौंप दिया। पाक ताकतों से भरा वो रोशन दिल जिसे हासिल करने के बाद मैं पूरी कायनात पर हुकूमत कर सकता हूं। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। अब वक्त आ गया है अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का। आपके बेटे अली से रूबरू होने का। अपने जज्बातों को छुपाने की जरूरत नहीं है। जज्बात हैं तभी तो हम जिंदा हैं। पर तुम्हारे हातिम का मानना तो ये है कि जज्बात इंसान को कमजोर बनाते हैं। तुम कमजोर नहीं हो अली। अपनों को खोने के बाद भी जिस मजबूती से तुम खड़े हो ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मेरे भी इस दुनिया में सिर्फ अब्बू हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और तुम तो इस हालत में भी इबलीस से लड़ाई कर रहे हो। और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अपनी अम्मी को इबलीस की कैद से रिहा करने के लिए मुझे इबलीस का खात्मा करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा बस एक ही मकसद है, इबलीस का खात्मा और मेरी अम्मी की रिहाई। दुआ करूंगी मैं अली कि तुम अपनी मंजिल बहुत जल्द हासिल करो। और ये मेरा वादा है आपा, इस बार लौटूंगा तो कोई फरेब नहीं होगा, आपके सामने आपके बेटे अली का सर होगा। जब तक मैं लौटूं आप बाकी खातिरदारी करते रहना। मेरे नूरे ने कहा। चलता हूं आपा। नहीं प्लीज, रुक जाओ इब्लीस, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। रोशनी अभी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। तुम अपने बेटे अली की जान बचा सकती थी अगर तुमने उसे अपना रोशन दिल नहीं दिया होता तो। लेकिन अब नहीं बचेगा तुम्हारा बेटा अली। नहीं बचेगा वो मेरे नूरे निगाह से। निगाह
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.